नायरा अभी क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ वो वैसे खड़ी थी तबीयत तबीयत कुछ मुझे आपकी तबीयत नहीं ठीक लगती, मैं हारून भाई को बुला के लाता। नहीं नहीं प्लीज हारून को कुछ मत कहना, वो वैसे बहुत डिस्टर्ब्ड है, नाराज है मुझसे। क्यों नाराज है आपसे, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस वो कुछ शिकायतें आने मुझसे, उन्हें लग रहा है कि मैं घर का ख्याल नहीं रख रही हूँ, घर पे तवज्जो नहीं दे रही हूँ, बच्चों का ख्याल नहीं रख रही हूँ, अपना खुलिया ठीक नहीं रखती हूँ, तो उन्हें लगता है कि मैं गैर जिम्मेदार सी हो गई हूँ थोड़ी। क्या हो गया है आप ही? मैंने आज तक आपसे ज्यादा घर के लिए खुद को कुर्बान करते हुए किसी को नहीं देखा। उनको आपका एहसान मंद होना चाहिए और वो आपको गैर जिम्मेदार कह रहे हैं। आपने ये बात सुन कैसे ली? कोताही मेरी तरफ से भी हो रही है आईन, हादसे के बाद मैंने बिल्कुल ही छोड़ दिया सब कुछ, वाकई में घर पे तवज्जो नहीं दे रही हूँ। जाहिर है हारून की भी बर्दाश्त की हद हो गई है। तो आप भी उनको भी तो इस बात का एहसास होना चाहिए कि ये हादसा सिर्फ आपके लिए तो नहीं था। अभी मुझे ऐसा लगता है कि वो आपकी खुलूस और आपकी मोहब्बत का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। आप सारा दिन किचन में खड़ी होकर उनके पसंद के खाने बनाती हैं, अरसल को संभालती हैं, मीरब को पढ़ाती हैं। आपके एहसान मंद होने के बजाय वो आपको गैर जिम्मेदार कह रहे। आपको अपने आप को उनकी खातिर बदलने की कोई जरूरत नहीं है। जिस शख्स को आपकी मोहब्बत और कुर्बानी की कदर नहीं है ना, आपको भी उसकी परवाह नहीं होनी चाहिए।